नमस्ते। कैसे हैं? केम छो? अभी हमारे हाई कमिश्नर बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने समय निकाला। हकीकत यह है कि आप लोगों ने मेरे लिए समय निकाला। क्योंकि ये कोई मीटिंग करने का तो समय नहीं है। आप लोग कब से खाना खा के सोने की तैयारी करते होते, लेकिन मेरे लिए आप जाग रहे हैं और इतनी देर रात यहाँ तक आए हैं, और इतना ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के देशों से भी आए हैं। तो आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जब स्टेडियम में बैठकर के क्रिकेट का मैच देखते हैं तो बहुत पता नहीं चलता है कि बॉल कहाँ गया, लेकिन दूर घर में बैठकर के टीवी पे देखते हैं हर चीज़ का पता रहता है, बॉल कहाँ गया, बॉलर कहाँ गया, बैट्समैन कहाँ खड़ा है, उसका पैर कहाँ है, सब पता चलता है। इसलिए भारत में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, भारत में रहने वालों को जितना पता होता है उससे ज्यादा वहां दूर रहने वालों को रहता है। हर बारीकी का उनको अंदाज होता है, और स्वाभाविक है दुनिया में कहीं पर भी हो, भारतीय भारत से आने वाली हर अच्छी खबर उसको एक नई खुशी, नया उत्साह देती है। क्या लगता है पिछले 4 साल में कुछ आप लोगों का तजुर्बा बढ़ा है कि ऐसा ही है? आपको लगता है भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है? अब आपको लगता होगा दुनिया में कहीं पर भी एयरपोर्ट पे उतरते हुए इमिग्रेशन काउंटर पे जाते होंगे और हिंदुस्तानी है कहते ही आँख में आँख मिला करके कोई बड़ी खुशी व्यक्त करता है कि नहीं करता है? पहले आप हाथ मिलाते थे, ठीक है, आप मिलाते हैं तो छोड़ता भी नहीं है। तो बदल आया कि नहीं आया? ये बदल इसलिए आया है कि देश में बदल आया है। आज देश बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण। आज कोई खिलाड़ी खेल में अगर दुनिया में जाकर के गोल्ड मेडल ले आता है तो उसमें मोदी ने कहां पसीना बहाया है। लेकिन वो इसलिए संभव होता है कि मोदी ने आकर के सिलेक्शन प्रोसेस को इतना ट्रांसपेरेंट किया है, तो सही व्यक्ति सही जगह पे जाता है और इसलिए गोल्ड मेडल लाता है। पारदर्शिता के साथ जिसको जिसका हक है वो अगर मिलता है तो वो कुछ कमाल करके दिखाता है, और सरकार का यही काम है। और हमारा तो मंत्र है सबका साथ, और ये सबका साथ सबका विकास के मंत्र की ताकत बहुत बड़ी है। और इसी में देश के हर व्यक्ति को लगता है कि अब देश को आगे बढ़ाने का मौका आया है, और देश को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है। अब पहले पता नहीं था कि एक टॉयलेट होना चाहिए,
क्या इसके लिए मोदी के आने की इंतजार करना था क्या? घर में टॉयलेट होना चाहिए, इसके लिए ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो इंतजार होता है क्या? लेकिन चलता है, होता है, ध्यान देता नहीं था। अब बदल आ गया, इतने कम समय में 8 करोड़ टॉयलेट बन गए, लाखों गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। एक बार अगर काम करने के लिए तय करते हैं, और हमारी कार्यशैली ऐसी है कि ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान में समस्याएं नहीं है, समस्याएं है, लंबे कालखंड से है, लेकिन हम समस्याओं को गिनते रहेंगे कि चलो भाई हमें जितना समय मिला है जितनी समस्याओं से देश को मुक्त कर सके करें। अब आजादी के 70 साल के बाद भी 18,000 गांव 18वीं शताब्दी में जी रहे थे, 18 सेंचुरी में बिजली नहीं दिखी थी गांव में। हमने तय किया 1,000 दिन में पहुंचाना है, पहुंचा दिया। अभी भारत में 4 करोड़ घर ऐसे हैं जिसमें घर में बिजली नहीं है, हमने तय किया है समय सीमाएं तय, 1 साल में पहुंचाना है ना पहुंचाना है, पहुंचा के रहेंगे, चैन से बैठेंगे नहीं। समस्याओं के समाधान से विश्वास पैदा होता है, हर किसी को लगता है यह हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। जब दुनिया में कहीं पर भी हिंदुस्तान का नागरिक सुनता है कि भारत ने 100 सैटेलाइट छोड़े, कितना गर्व होता है। अच्छा भाई 100 सैटेलाइट, ये काम हिंदुस्तान कर रहा है आज, भारत ने अपनी एक ताकत दिखाई है। आज हिंदुस्तान इतनी प्रगति कर रहा है, वहाँ जितने नागरिक हैं उससे ज़्यादा मोबाइल फोन है। भारत आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है। जब हम आए थे तब दुनिया में हम 9 या 10 नंबर पर रहते थे इकोनॉमी में, अभी हम 6 पर पहुंच गए। और पहली बार फ्रांस को पीछे छोड़ के आगे निकले, और बहुत ही जल्द 5-4-3 हो, देखिए। आज दुनिया की सबसे तेज गति से, बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर कोई देश है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। तो बहुत तेजी से देश प्रगति कर रहा है, विकास नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आप लोगों का मन करता है कि नहीं करता हिंदुस्तान आने का? हर 2 महीने में, वाह। अभी देखिए, इस 2019 में बहुत सारे मौके हैं, समझ गया कि मैं जब 2019 के मौके कह रहा था तो आपकी नजर कहाँ थी, लेकिन मैं तो कुछ और कहना चाहता था। 2019 के जनवरी में, 22-23 जनवरी, काशी में, बनारस में हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस का कार्यक्रम है। दुनिया भर में जितने भारतीय हैं
वो दो साल में एक बार इकट्ठे होते हैं, इस बार काशी में है। और आपको मालूम है ना, मैं काशी का प्रतिनिधि हूँ, और इसलिए मैं जब निमंत्रण देता हूँ तो स्पेशल निमंत्रण बन जाता है। तो एक तो उसका लाभ लेना चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में जाना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस में। दूसरा, 2019 14 जनवरी मकर संक्रांति, प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू हो रहा है, दुनिया भर के लोग कुंभ के मेले में आते हैं, तो काशी में प्रवासी भारतीय दिवस, फिर वहां से प्रयाग जाकर के प्रयागराज में, और फिर 26 जनवरी को दिल्ली में। और उसके पहले एक और कार्यक्रम है, 20-21 को अहमदाबाद में, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। तो यानी एक पूरा पैकेज बना करके आप जा सकते हैं, वाइब्रेंट समिट गुजरात करे, फिर वहां से बनारस, बनारस से प्रयागराज, प्रयागराज से दिल्ली, और उसके बाद रह जाना है तो मई तक रह जाइए। हम आपके लिए काम ढूंढ के निकाल देंगे। तो आप इतनी बड़ी मात्रा में आए, आपने आशीर्वाद दिए, शुभकामनाएं दी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं दुनिया भर में फैले हुए भारतीय समुदाय से यही कहूँगा कि हिंदुस्तान आप पर गर्व करता है। दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय गए हैं, उन्होंने भारतीयों का नाम रोशन करने का काम किया है, भारतीयों का गौरव बढ़ाने का काम किया है, और मैं आज राष्ट्रपति जी के साथ बैठा था, मैं आते ही एयरपोर्ट से ही कार्यक्रम में चला गया था, तो राष्ट्रपति जी ने आपकी इतनी तारीफ की, यानी भारतीय समुदाय के लिए वो गर्व अनुभव करते थे, और ये जब मैं सुनता था मुझे इतना आनंद आ रहा था, पूरी मेरे हिंदुस्तान से आने की पूरी थकान उतर गई। और एक बात उन्होंने बड़ी सटीक बताई, उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान के लोग यहाँ रहते हैं वो हमारे देश की प्रगति में काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन निरुपद्रवी है, उनकी तरफ से कोई तकलीफ ही नहीं होती। और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ जो भारतीय समाज रहता है उसकी विशेषता है कि वो यहाँ के सामाजिक काम में कोई ना कोई मदद करते ही रहते हैं, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। देखिए ये जो आपके गुण है ना, इसी के कारण आपने लोगों का दिल जीता हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस देश में हम आए हैं उस देश के लोग हमारे सेवा भाव से प्रभावित है, सेवा करने का हमारा स्वभाव से प्रभावित है, कानून नियमों का पालन करने वाली जिंदगी जीने वाले, किसी प्रकार का उपद्रव न करने वाले समाज के रूप में, और ये खबर दुनिया भर से आती है। भारतीय समुदाय का यह व्यवहार दुनिया के किसी देश में किसी को अखरता नहीं है, अच्छे लगते हैं भारतीय लोग, लोगों को अच्छे लगते हैं। अनेक प्रकार से हर हिंदुस्तानी दुनिया में जहां भी है वो राजदूत से भी बढ़कर के राष्ट्रदूत है। तो जब मैंने आज आते ही आपकी तारीफ सुनी तो मेरी सारी थकान उतर गई, मुझे खुशी हुई, और अब आपके दर्शन करने का मौका मिला तो और अच्छा लगा। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।